हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। देखो, एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हमें इसकी कुछ थ्योरीज पढ़नी है, जिसमें अब आपको क्या करना है, चेंज करना है। जैसे आपको लेंथ दे दें, आपको मास दे दें, या आपको कुछ भी मतलब दे दें, है ना। जैसे अपनी डेली लाइफ में क्या होता है, जैसे अगर हमें किसी की लेंथ नापनी है तो आप लेंथ को किससे मेजर करोगे, कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इन सबसे करते हैं ना। तो हमें ये देखना है कि जैसे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो ये सब हमको कैसे निकालते हैं, ये कैसे आता है, ये सब हमें सीखना है, ठीक है ना। और आपको पहले आपको इसको देखना, समझना, फिर आपको इसको लर्न भी करना। जैसे देखो, अगर हम बात करें कि हमें पता है या आपको याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये आपको याद होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो, मिलीमीटर को किससे लिखते हैं अपन, mm, सेंटीमीटर को क्या लिखा है आपने, cm, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है, ये आपको लर्न रखना है। अब इसके बाद हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये दो चीज हमने याद कर ली कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब आपको पूछे कि आप ये बताइए मुझे, 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो आप निकाल सकते हो ना। देखो, यहाँ पर तो 1 मीटर लिख देंगे हम इज इक्वल टू, अब देखो 1 मीटर, अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, हमें पता है ना 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो अगर हम बोले कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कि देखो 100 × 10 कर देंगे अपन, तो कितना आ जाएगा, 1000 मिलीमीटर, ये आ जाएगा। तो देखो, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये चीज़ समझ में आई ना, ये रफ में लिख दी मैंने, इसी चीज़ को यहाँ पे लिख देना है कि देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हम क्या लिखेंगे, 100 × 10, तो अब अपना कितना आ जाएगा, 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो आपको ये याद होना चाहिए, देखो, ठीक है। एक ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, यानी आपने 100 में 10 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा अपना, 1000। इसी तरीके से अब हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है अपना, 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है अपना, 1000 मीटर। तो अगर हमें सेंटीमीटर की बात करनी है तो हम क्या बोलेंगे, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब सेंटीमीटर अगर हमें पता करना है कि सेंटीमीटर कितने होते हैं, तो हमें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ना अपन, क्या करेंगे अपन, 1000 × 100 कर देंगे, तो अब ये कितना आ जाएगा अपना, 1 लाख, ठीक है, इस तरीके। तो ये अपने किस में आ गए, ये अपना आ गया सेंटीमीटर, यानी 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। देखो, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 × 10, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी अपने, सेंटीमीटर, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 लाख आ गया सेंटीमीटर, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। आपको ये याद रखना है, याद क्या मतलब, आप इसे जब बार बार करोगे ना तो ये आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे। और अगर मानो किसी बच्चे को अगर लर्न नहीं हो रहे, दिक्कत आ रही, तो आपको क्या करना है, सिंपली आप उसको निकाल के देख लेना, तब भी आ जाएगा आपको। अब देखो, यहाँ तक सेंटीमीटर में हो गया ना, अब इस सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में चेंज करना है, तो हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, तो 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपना कितना जाएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 1 लाख आ जाएगा, 10 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 10 लाख, इस तरीके से। और यहाँ पर कितना जाएगा अपना, मिलीमीटर, 1 किलोमीटर।
देखिए, समझ में आया आपको अच्छे से? अब आपको क्या करनी है, ये सारे की सारे डिजिट याद भी करनी है अच्छे से, है ना। मेन मेन चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, ये याद होना चाहिए। बाकी इसके बाद 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। ये भी इसके बाद तो ये बाकी के आप अपने आप निकाल लोगे। अब इसी तरीके से ये तो क्या हुआ, हमारी लेंथ की बात हुई। अब अगर अब आगे बात करें कि लेंथ हो गई हमारी, अब हमें जिससे हम कुछ भी चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है ना, मास तो किस में होता है, किलोग्राम में होता है। जैसे आप मानो कुछ फल सब्जी कुछ भी लेके आते हो तो वो क्या होती है, ग्राम किलोग्राम इसमें लेके आते हैं ना अपन। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, अभी हमें पता होना चाहिए कि 1 ग्राम, ग्राम को हम किससे लिखते हैं, जी से डिनोट करते हैं। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। क्या होते हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम होते हैं। इसी तरीके से 1 केजी को हम क्या लिखते हैं, 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो इसमें भी कितने होते हैं अपने, 1000 ग्राम। देखो ग्राम को जीएम भी लिखते हैं, देखो जीएम लिख लो या जी लिख लो, एक ही बात है ना, या तो जीएम बोलो या जी बोलो। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं अपने, 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में कितने एमजी होते हैं अपने, 1000 एमजी। तो अगर हम बात करें 1 केजी इज इक्वल टू हाउ मेनी एमजी, तो एमजी कितने हो जाएंगे अपने, देखो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 एमजी, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 1000 × 1000। तो 1 केजी अपना कितना आ जाएगा, 10 लाख। और यहाँ पे क्या जाएगा, मिलीग्राम, एम जी मीन्स मिलीग्राम। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, देखो आपको ये दो चीज़ याद रखनी है, ये दोनों फिर आप मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, है ना। तो हमें ये याद होना चाहिए कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम एंड 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 लाख मिलीग्राम हो जाते हैं। तो ये तो आप निकाल लोगे, आपको ये दो अच्छे से याद होने चाहिए। इसके बाद देखो, अब हमने फल सब्जी ले ली तो उसको हमने किस में करा, हमने उसको मेज़र करा किलोग्राम ग्राम में। उसी तरीके से सब दूध पीते हो आप सब बच्चे, तो दूध को हम किस में मेज़र करते हैं, लीटर मिलीलीटर में, है ना। तो लीटर लेता थे ना, कि अपन ने आधा लीटर दूध लिया, 1 लीटर दूध लिया, ऐसे करते हैं ना। तो अब हमें यहाँ पे करना है, हमें याद होना चाहिए कि हमेशा जो लिक्विड वाली चीज़ होती है ना, वो लीटर में होती है, लीटर में मेज़र करते हैं उनको। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 लीटर, अब लीटर को हम किससे डिनोट करेंगे, एल से। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो एम एल लिख देते हैं, है ना, एम एल, स्मॉल एम और एल, है ना। तो ये जो एम होता है, स्मॉल एम, ये मिली के लिए होता है। जैसे देखो इधर एम एम लिखा था तो मिलीमीटर था, है ना, उसी तरीके से यहाँ एम जी है तो मिलीग्राम है, एम एल है तो मिलीलीटर है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml या मिलीलीटर बोलते हैं इसको। तो उसी तरीके से अगर हम बोले 1 किलोलीटर, तो 1 किलोलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, 1000, अगेन 1000 लीटर, देखो ये एल है ना, लीटर का एल है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो हम बोले 1 किलोलीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 लीटर। अब अगर हम बात करें कि 1 किलोलीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 × 1000 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 लाख आ जाएगा एम एल, ठीक है ना, एम एल ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये कितना जाएगा अपना, 1 किलो लीटर में आपके कितना जाएंगे, 10 लाख मिलीलीटर आ जाएंगे। तो आपको इसमें भी क्या याद रखना है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। देखो अब वापस से मैं आपको एक बार याद करती हूँ, बस इतना से याद कर लोगे ना तो सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे आपके, आपको किसी में भी कोई प्रकार की किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वापस से बता रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल 1.3 का ना ये बेस है, मतलब आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा तो सारे क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में कर दोगे, है ना। तो हमेशा आपको एक बात भी याद रखनी है कि जब भी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, हमें थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी होती है। जब आप थ्योरी अच्छे से पढ़ोगे ना,
तो मानो कहीं कोई क्वेश्चन गलत हो जाए या पीछे किसी ने आंसर गलत दे दिया, या मानो कभी जल्दी जल्दी टीचर भी कभी कभी क्लास में प्लस माइनस में अगर गलत कर जाते हैं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर है तो आप क्या कर लोगे, फटाफट सही कर लोगे। अगर पीछे जैसे इसी तरीके से अगर मानो पीछे आंसर दे रखे हैं तो कई बार क्या होता है पीछे भी गलत आंसर दिया होता है ना किसी किसी क्वेश्चन का। तो अगर हमको हमारे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो हमको वो क्वेश्चन करना ही नहीं आएगा, हमको पता ही नहीं पड़ेगा कि ना पीछे आंसर सही है कि गलत है। तो इसीलिए थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। फिर मैथ्स में क्या है, मैथ्स का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर हमारे कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो बिल्कुल सही तरीके से। तो इसीलिए पहले थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो देखो वापस से, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में, अब देखो हम क्या करेंगे, कितने सेंटीमीटर हमें मिलीमीटर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे 100 × 10 कर देंगे, 1000 आ जाएगा। तो मैंने राइट राइट निशान लगाया ना, इनको लर्न कर लेना अच्छे से, इसको इसको और ये। फिर 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसके बाद 1000 में, अब हमें सेंटीमीटर में चाहिए तो 1000 × 100 कर देंगे, सेंटीमीटर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख देना आप, है ना। तो 1 किलोमीटर बराबर अपना कितना हो जाएगा, अब देखो ये सेंटीमीटर में, अगर हमें मिलीमीटर में चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिलीमीटर में आ जाएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 लाख मिलीमीटर, ये हो जाएगा आपके, है ना। और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, ये आपको याद होनी चाहिए। अब 1 क्या है यहाँ पे, ये 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम, और 1, अब ये वाला भी याद होना चाहिए, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ये दोनों याद कर लो, बाकी के सारे आप अपने आप निकाल लोगे। 1 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 × 1000, और ये कितना आ जाएगा आपका मिलीग्राम। फिर इनका मल्टीप्लाई कर लिया, 10 लाख मिलीग्राम आ जाएंगे, 1 kg इज इक्वल टू 10 लाख mg, है ना, mg दैट मीन्स मिलीग्राम। अब इसी तरीके से ये तो क्या हो जाएगा, ये हमारे सॉलिड फॉर्म जिसको हम करते हैं, फल लेके आते हैं, सब्जी लेके आते हैं, सब किस में करते हैं अपन, kg में लेके आते हैं ना, किलो में, ग्राम में, कोई सी भी चीज़ सॉलिड चीज़। अब अगर लिक्विड चीज़ की हम बात करते हैं तो वो हमेशा किस में होती है, लीटर में होती है, लीटर, किलो लीटर, मिली लीटर, इसमें होती है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, तो 1 किलो लीटर इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 1000 × 1000 ml हो जाएगा। तो 1 kg, 1 kl, kl मीन्स किलो लीटर इज इक्वल टू क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, तो कितना जाएगा 10 लाख आ जाएगा मिली लीटर। तो ये आपको अच्छे से, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो इसको आपको लर्न करना है अच्छे से, और जिस बच्चे के पास अगर बुक नहीं है तो आप स्कूल से कांटेक्ट कीजिए और आप बुक लीजिए, ठीक है। और अगर जब तक बुक नहीं है तो वीडियो में मैं आपको बुक भी शो करती हूँ, तो आप वीडियो को पोस्ट करके और क्वेश्चन लिख लिया करो, ठीक है। और वैसे इसमें भी जितना मैंने आपको कॉपी में मैंने आपको जैसे कर दिया ना, अब आप क्या करा करो, जब भी वीडियो देखो साथ के साथ पोज करके और क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लिया करो। अब देखिए 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो ए बी और एफ मैं बताऊंगी आपको इसी के जैसे, फिर आपको बाकी के करना है। अब जैसे देखो, अब हमें क्या करना है, 100 मीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, तो इसको सॉल्व करेंगे अपन। आपको सॉल्व नहीं करना, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, लेकिन अगर जैसे ये कम मार्क्स का आता है तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है ना, अभी कॉपी में भी डायरेक्ट इसको आपको बुक में कर लेना है, लेकिन अगर आपको कॉपी में करते हो तो साइड में आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन भी करना है, ताकि आपको याद रहे कि 100 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिलीमीटर की बात हो रही है ना, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। हमने सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मीटर है ना, तो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसी तरीके से 1 मीटर इज इक्वल टू, अब हमें मिलीमीटर चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 × 10 कितना आ जाएगा, 1000 मिलीमीटर आ गया ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा अपना 1000 मिलीमीटर, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अब हम बी पार्ट की बात करते हैं, बी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर में आपको बताना है कितने मिलीमीटर हैं, तो हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है अपना 1000 मीटर होता है। अब बताओ मुझे यहाँ पर कितना पूछा है आपको, 5 किलोमीटर पूछा है ना, तो जब हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर,
तो 5 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 को, तो कितना जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 5000 मीटर। अब देखो अगर यहाँ तक आप कर लोगे, अब जैसे एफ आ गया, एफ में आपको क्या दे रखा है अलग अलग कि 8 किलोग्राम 10 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। तो अब आपको पता है कि आप क्या लिखोगे, 1 kg, 1 kg इज हाउ हाउ मेनी ग्राम, तो आपको पता है 1000, 1 kg इज इक्वल टू 1g है ना, 1000 ग्राम। तो अब हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 8 kg दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, 8 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 × 1000, कितना हो जाएगा अपना 8000 ग्राम है ना। ग्राम को gm लिख लो या जी लिख लो, एक ही बात है, आपको कॉपी में सिर्फ एक लिखना है, या तो जीएम लिखो या तो जी लिखो, तो आप जहाँ तक हो जी लिख लेना है ना, जी लिख लेना। अभी आ गया, तो देखो 8 kg के जगह हम क्या लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ग्राम में चाहिए कि 8 kg एंड 10 ग्राम इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम। तो हमने 8 kg को तो निकाले कि 8 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम होते हैं, 800 ग्राम, सॉरी 8000 ग्राम होते हैं, है ना, 8000 ग्राम। अब हमें 10 ग्राम और है, तो 10 ग्राम साथ में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 ग्राम प्लस 10 ग्राम, तो टोटल कितना आ जाएगा अब आपके यहाँ पे, देखो 10 ग्राम ऐड कराना, ऐड 10 ग्राम, ठीक है, तो ऐड कर दिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा, ये देखो जी है 8010 ग्राम। तो अब इसमें देखो अब हमने क्या लिखा है, अब ये 1 kg चल रहा है ना, यानी हमने क्या करा, 8 kg एंड ऐड 10g है ना, 10 ग्राम ऑल्सो, तो आपका ये हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, 1 kg इज इक्वल टू 8010 ग्राम, ये आपके आंसर आ जाएगा। तो लिख देते हैं अपन यहाँ पे 8010 है ये, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, इसके बाकी के पार्ट आपको करने। अब इसमें से लीटर मिली लीटर में, तो जैसे हम यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ऐसे आपको कन्वर्ट करना है। तो आप जब भी इस क्वेश्चन को करोगे, आपको रफ में ऐसा लिखना है, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको इसके क्वेश्चन भी आने लग जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, आपको क्या दे रखा है, फॉलोइंग इज द रन मेड बाय सम वर्ल्ड फेमस क्रिकेटर्स इन टीम मैच। अब आपको देखो टेस्ट मैच, अभी टेस्ट मैच में आपको क्रिकेटर से इन्होंने रन बनाए, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं, इसने इतने बनाए, ठीक है ना, तो अलग अलग क्रिकेटर्स ने अलग अलग आपको रन दिए हुए हैं, इन्होंने इतने इतने रन बनाए। फिर आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि राइट द नंबर नेम फॉर द सम ऑफ रन मेड बाय दीज क्रिकेटर्स इन टेस्ट मैच अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन, है ना, मतलब आपको क्या करना है, आपको नंबरेशन करना है, लेकिन किस फॉर्म में, इंटरनेशनल सिस्टम फॉर्म में। और आपको तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सबका टोटल, तो ये जितने भी क्रिकेटर हैं ना, तो जैसे राहुल है, ये सचिन है, ये बाकी के हैं, इन सब का आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। तो ये सबको आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ये सब है ना, इन सबको आपको प्लस कर लेना है, और प्लस करने के बाद फिर आप क्या करोगे इसके अंदर, अब इंटरनेशनल सिस्टम है ना, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3-3 के बाद आपको कॉमास लगाना है, तो 3-3 के बाद आप कॉमास लगा के और सिंपल उसका नेम लिख दोगे। तो ये आपको होमवर्क में करना है, मैंने आपको ये समझा दिया है, ठीक है, यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इन सबको टोटल कर लेना है, और जब आप इनको टोटल कर लोगे, फिर आपको इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आपको नंबर लिखना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल सिस्टम, जिसे मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में सिखाया ही था, कि 3-3 डिजिट के बाद कॉमा लगा देते हैं और फिर डायरेक्ट उसका नंबर सिस्टम लिख देना, तो आप इसको करना, और फिर अगर नहीं आता तो डाउट क्लास में आप मुझसे पूछना। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस, इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। तो इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है अपना, द सम ऑफ टू नंबर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है ना, मतलब क्या दे रखा है आपको, टू नंबर का सम दे रखा है, इसमें से आपको दे रखा है इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस, फाइंड द अदर नंबर। तो आप क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको इसको देखो सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, लेट द अदर नंबर, या आप इसे सेकेंड नंबर भी बोल सकते हैं, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब हमें पता है टू नंबर का सम कितना है आपके पास, इतना, यानी हम क्या बोलेंगे, एक्स प्लस
फोर टू थ्री फोर फाइव सिक्स इज इक्वल टू इन दोनों का सम कितना है अपना, देखिए नाइन टू थ्री फाइव सिक्स एट हमने लिख दिया। अब आपको क्या निकालना है, इस x की वैल्यू निकालनी है, तो x तो यहीं पे रहेगा, इक्वल लगाओ। अब इसको लिख देंगे हम पूरा, नाइन टू थ्री फाइव सिक्स एट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x इधर x के साथ ही प्लस में है ना, जब यहाँ पे प्लस का साइन है इक्वल के इधर की तरफ जाएगा, तो ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। अब ये पूरी की पूरी डिजिट हम वापस लिख देंगे, फोर टू थ्री फोर फाइव सिक्स इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसको सिंपल माइनस कर लो और माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट ऐसे कर लो, या मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे देखो ऐसे लिखते हैं, नाइन टू थ्री फाइव सिक्स एट। अब इसके बाद पीछे से स्टार्ट करो लिखना, फाइव फोर थ्री टू फोर, इसको रफ में आप माइनस कर लेना अगर आपको ऐसी दिक्कत आती है तो। मैं तो आपको दोनों तरीके से सिखा दे रही हूँ, एट माइनस सिक्स कितना हो जाएंगे टू, सिक्स माइनस फाइव वन, फाइव माइनस फोर वन, थ्री माइनस थ्री ज़ीरो ज़ीरो, और ये कितना आ जाएगा फाइव। तो अपनी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाइव ज़ीरो ज़ीरो वन वन टू, ठीक है। थ्री एक्स की वैल्यू आ गई, यानी क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको अदर सेकेंड वैल्यू चाहिए थी ना, तो सेकेंड वैल्यू हमारी क्या होगी ये। अब आपको क्या करना है, अगर मानो आपने ये कर दिया, और कभी कभी अगर आपके पास टाइम हो और आपको रीचेक करना हो, तो आप रीचेक कैसे कर सकते हो, आप क्या करोगे, एक्स की जो डिजिट आई है ना ये, इसको यहाँ पे रख देना है ना, फिर इसको और इन दोनों को प्लस करना, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये जो टोटल नंबर है ना ये, तो जब इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर अगर ये आता है तो आपने जो भी करा है क्वेश्चन वो एकदम सही किया है। तो इस तरह से अपना क्वेश्चन नंबर थ्री कम्प्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर है अपना, फाइंड द डिफरेंट बिटवीन द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर। तो हमने आपको सिखाया ही है कि स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर क्या होगा हमारा, देखिए हम लिखते हैं द स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर कितना होता है अपना, देखो वन फिर ज़ीरो ज़ीरो ला दो, वन टू देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर है। अगर आपको सिक्स डिजिट का सबसे ग्रेटर पूछते हैं तो आप सिक्स नाइन नाइन कितने टाइम्स लिख देते, सिक्स टाइम्स, तो सबसे स्मॉल क्या होता है, सिर्फ एक बार वन लिख के बाकी सब जीरो लगा दो, और टोटल मिला के नाइन डिजिट होनी, सिक्स डिजिट होनी चाहिए, तो सबसे स्मॉल हो जाएगा। इसी तरह से अगर मानो कभी किसी भी डिजिट का अगर सिक्स का ही हम ग्रेटर बोलते हैं तो नाइन 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 कितने टाइम्स लिख देते अपन, सिक्स टाइम्स, तो ये डिजिट हो गई। अब हमें क्या करना है कि द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर, अब देखो अब हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट बोला है ना और फोर डिजिट, तो हम क्या लिखेंगे, वन टू थ्री फोर, नाइन नाइन कितनी टाइम्स लिख देंगे, फोर टाइम्स, यानी आपको जब भी चाहे कितने भी डिजिट का बोले है ना, जैसे आपको क्या बोले, वन डिजिट टू डिजिट थ्री डिजिट, कितने भी डिजिट का अगर आपको बोलते हैं कि आपको क्या बताना है, आपको ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट के लिए नाइन नाइन उतनी बार लिख दो, स्मॉलेस्ट तो वन लिख के जीरो जीरो लिख दो आप, तो सबसे ईजी होता है तरीका ये। अब देखो अब हमें डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस बिटवीन है ना फर्स्ट एंड सेकेंड, जिसे इसको फर्स्ट और इसको सेकेंड लिख दो आप, इन दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, तो माइनस कर दो कितना जाएगा, माइनस, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस कर दो, तो या तो डायरेक्ट लिख लो या तो आप रफ में कर दो इसे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर माइनस करो कितना जाएगा, वन ज़ीरो 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 वन, देखिए ठीक है ना, कितना था आपने वापस से देख लो, सिक्स डिजिट ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ग्रेटेस्ट फोर डिजिट वन टू थ्री फोर, अभी कितना हो जाएगा वन, अभी नाइन हो गया ज़ीरो, फिर ये ज़ीरो फिर ये ज़ीरो, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ नाइन आएगा वन नहीं है ना, क्योंकि अब यहाँ पे ये देखो कैरी ले लिया था ना,
टेन हो गया। अब टेन में से किधर गया है, तो यहाँ कितना बचा, नाइन, तो नाइन लिख दिया हमने। अब इसको लिख देते हैं अपन, तो कितना है 9001 आंसर, कॉमन लगा लो, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसको आपको करना है, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब ये सारे क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हो, इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, आपको सिंपल प्लस करना है। जहाँ पर प्लस बोला है वहाँ प्लस कर दो, कहीं टोटल की बात होती है तो प्लस कर दो, कहीं डिफरेंस की बात होती है तो उसको क्या कर देना है, आपको माइनस कर देना है। तो इन क्वेश्चन को आप कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप डाउट क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी के क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।